नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। कल हो सकती है पंचायत चुनाव की घोषणा, आचार संहिता भी लागू होने की संभावना। हिमाचल में प्रचंड ठंड का प्रकोप जारी, आधा हिमाचल माइनस में, शिमला सबसे गर्म। एचआरटीसी प्रबंधन को घेरने की योजना बना रहे कर्मचारी, बोले सब्र का बांध टूटा, नए साल से संघर्ष झेलने को रहे तैयार। ऑनलाइन क्विज में कांगड़ा जिला के स्कूलों का बेहतर रिस्पांस, इंटरनेट सुविधा न होने से स्पीति और किन्नौर के बच्चे सबसे पीछे। शिक्षा विभाग की 3 परियोजनाओं पर जल्द शुरू होगा काम, कांगड़ा, मंडी और सोलन जिला के हैं 3 प्रोजेक्ट। नाइट कर्फ्यू के बावजूद चल रही थी पार्टी, विदेशी पर्यटकों समेत शामिल थे 150 लोग, 3 गिरफ्तार। कुल्लू पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2 अलग अलग मामलों में 3 किलो 671 ग्राम चरस समेत 4 गिरफ्तार। घर में भीड़ जुटाने पर पुलिस की कार्रवाई, लगाया 5,000 का जुर्माना। महाशीर के उत्पादन में हिमाचल आगे, इस साल 10 से 12,000 उच्चतम हैचिंग की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में होने वाले पंचायती चुनावों की घोषणा सोमवार को संभव है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, इस बारे में चुनाव आयोग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की जा सकती है। ऐसे में पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता भी लागू होने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश में होने वाले विकासात्मक कार्यों पर भी रोक लगने की आसार है। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है, आधे हिमाचल में तापमान माइनस में चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमूमन ठंडा रहने वाला राजधानी शिमला बाकी शहरों से गर्म है। इतना ही नहीं, शिमला के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री का उछाल आया है। शनिवार को जहां शिमला का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं रविवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। समय पर वेतन न मिलने से परेशान एचआरटीसी कर्मचारियों ने अब एचआरटीसी प्रबंधन को घेरने की योजना बना ली है। एचआरटीसी कर्मचारियों का कहना है अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है, नए साल से एचआरटीसी प्रबंधन कर्मचारियों के संघर्ष को झेलने के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। पहले जहां महीने की पहली तारीख को वेतन दिया जाता था, तो वहीं लॉकडाउन के बाद से कर्मचारियों को वेतन मिलने का कोई समय नहीं है। कभी कभी तो महीने के आखिर में भी वेतन दिया जा रहा है। एचआरटीसी चालकों परिचालकों का कहना है समय पर वेतन न मिलने से परिवार का गुजारा करने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। एचआरटीसी प्रबंधन से बार बार इस बारे में शिकायत की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। एचआरटीसी प्रबंधन की माने तो लॉकडाउन से लेकर अब तक एचआरटीसी करीब 450 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ऐसे में एचआरटीसी को कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सरकार जब राशि रिलीज करती है, उसके बाद ही कर्मचारियों को सैलरी मिलती है। शिक्षा विभाग की ओर से हर घर पाठशाला के तहत स्कूली बच्चों के लिए शुरू किए गए क्विज प्रोग्राम में बच्चों का बेहतर रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन क्विज में सबसे बेहतर रिस्पांस जिला कांगड़ा के स्कूलों का देखने को मिला है, जबकि सबसे कम रिस्पांस किन्नौर और लाहौल स्पीति के बच्चों का है। पहली से 8वीं तक करवाई गई प्रतियोगिता में किन्नौर जिला से केवल 1,363 बच्चे ही रविवार को करवाई गई प्रतियोगिता से जुड़े। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा में किन्नौर से केवल 598 स्टूडेंट्स ही जुड़ पाए। इसी तरह लाहौल स्पीति से भी 246 और 9वीं से 12वीं की प्रतियोगिता में केवल 132 छात्र ही जुड़े। कारण, वहां पर इंटरनेट की सुविधा ना होना है। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में प्रदेश के लगभग हर जिले से बच्चे जुड़ रहे हैं और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे जिला कांगड़ा के स्कूलों के जुड़े हैं और दूसरे स्थान पर इसमें मंडी जिला है। 9वीं से 12वीं कक्षा की करवाई गई प्रतियोगिता में कांगड़ा जिला के सबसे ज्यादा 15,693 बच्चे जुड़े हैं। इसी तरह से बिलासपुर से 5,902,
चंबा से 4,868, हमीरपुर से 5,855, किन्नौर से 598, कुल्लू से 5,680, लाहौल स्पीति से 132, मंडी से 13,796, शिमला से 5,186, सिरमौर से 3,466, सोलन से 6,894 और ऊना से 9,393 छात्रों ने भाग लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के तहत शिक्षा विभाग के 3 प्रोजेक्ट्स पर जल्द ही जमीनी स्तर पर काम शुरू होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 61 करोड़ का बजट तैयार किया है, जिसमें बोर्डिंग कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज पर काम होना है। इस प्रोजेक्ट में करीब 350 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और सोलन जिला के ये 3 प्रोजेक्ट हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान शिक्षा विभाग ने 1,716 करोड़ के MOU साइन किए थे। ये स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने को लेकर है। 3 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी लागत करीब 61 करोड़ है। उसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। इन्हें जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा। पर्यटन स्थल कसोल के समीप छलाल गांव में एक कैफे में चल रही नाइट पार्टी पर पुलिस ने दबिश दी। जिले में नाइट कर्फ्यू के बावजूद यह पार्टी चल रही थी। इसमें विदेशी पर्यटकों सहित करीब 150 लोग डीजे पर थिरक रहे थे। पुलिस ने पार्टी आयोजित करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही डीजे का सामान भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने डीजे संचालक ऋषभ भदौला निवासी आदर्श गांव ऋषिकेश, दिनेश कुमार निवासी गांव चौकी डाकघर जरी तहसील भुंतर, अंकुर पारिक निवासी दयाल बाग आगरा को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया है। कुल्लू पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बजौरा और खलाड़ नाला में करीब 3 किलो 671 ग्राम चरस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बजौरा में पुलिस ने बस की तलाशी के दौरान महाराष्ट्र के 2 युवकों से 1 किलो 816 ग्राम चरस बरामद की है। दोनों चरस की इस खेप को जिले से बाहर लेकर जाने की तैयारी में थे। जबकि दूसरे मामले में खलाड़ नाला में शीशा माटी की तरफ से आ रहे 2 युवकों की तलाशी के दौरान उनके कैरी बैग से 1 किलो 855 ग्राम चरस मिली है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। रविवार को सिहुंता के द्रमनाला में चुबरखी में 50 से ज्यादा की भीड़ होने पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 5,000 का जुर्माना वसूला है। जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग के साथ जब नायब तहसीलदार COVID-19 को लेकर पेट्रोलिंग पर थे तो स्थानीय व्यक्ति के घर पर लोगों की भीड़ देखी गई। पेट्रोलिंग टीम ने जब मौके पर छानबीन की तो पाया कि वहां चौबरसी का सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था। पूछताछ में सामने आया इस कार्यक्रम की कोई भी अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी। मौके पर 50 से ज्यादा लोग पाए जाने पर पुलिस ने नायब तहसीलदार की अगुवाई में उल्लंघनकर्ता से 5,000 रुपए का जुर्माना मौके पर वसूल किया। मौके पर उपस्थित समस्त लोगों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सभी लोग COVID-19 नियमों का पालन करें। नायब तहसीलदार भूपेंद्र कश्यप ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश महाशीर मछली उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इस वर्ष रिकॉर्ड 10 से 12,000 उच्चतम हैचिंग की उम्मीद है, जिसमें से अभी तक 41,450 अंडे तैयार किए जा चुके हैं। गोल्डन महाशीर को टाइगर ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। गत वर्षों में इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है और वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा इस प्रजाति को विलुप्त प्राय घोषित किया गया है। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे, हिमालय का दिल हिमाचल।